जैसे कि मैंने इन कॉम्प्लेक्सेस की नंबरिंग कर दी है 1, 2, 3, 4, मैं आपको इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी ऑब्जर्व. नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन, 1, 2 and 3 आर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाइल 4 इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. यह है फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी. 1, 2 and 3 आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉम्प्लेक्सेस में जो क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किए हुए हैं वो आयोनाइजेबल वैलेंसी वाले हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस आयंस में ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं. बट जो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रेजेंट ऑल द थ्री क्लोराइड ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी के साथ जुड़ने की वजह से वो क्लोराइड सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द फोर्थ कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक. ये मैंने प्रॉपर्टी और हमारे एक्सप्लेनेशन का उसके साथ रिलेशन आपको बताया. कम टू द इक्वेशन. इन कॉम्प्लेक्सेस में द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यदि आप देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, तो इट कम्स फर्स्ट, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ. इन फोर कॉम्प्लेक्सेस में कंडक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है, लास्ट वाला तो वैसे ही ऊपर वाले पॉइंट में मेंशनड है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी जीरो होगी, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टिंग होगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज 1, 2, 3 इस ऑर्डर में मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है. हाँ, बिफोर दैट, वैसे मैं मोलर कंडक्टिविटी टर्म पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेट करिए. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल अमाउंट जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स जितने मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी डिसाइड होती है. यह ऑब्जर्वेशन बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स आर प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. सेकेंड ने लेस नंबर ऑफ आयन्स दिया है, थर्ड ने और लेस नंबर ऑफ आयन्स दिया है, डेफिनेटली क्योंकि जो क्लोराइड सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आयन्स के फॉर्म में सेपरेट नहीं होंगे, तो आयन्स का नंबर डिक्रीज होता जाएगा. इसी तरह एक और प्रॉपर्टी पर हम कॉन्सेंट्रेट करें. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन. AgNO3 एक्वस आई हैव रिटन, बट फोर्थ डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये क्लोराइड का बहुत सिंपल टेस्ट है. लेबोरेटरी में भी यदि आप क्लोराइड आयन का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एक ये तरीका होता है, एक इजी मेथड है कि आप कहीं पर भी क्लोराइड आयन की प्रेजेंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने पर
if you observe white precipitate, it means the chloride is present there. Further उसका confirmation भी होता है कि वह chloride के ही कारण precipitation हुआ है. फिलहाल इतने पर हमारा matter discuss हो सकता है, तो हम इसको यहीं से देखें. 1, 2 और 3 precipitate दे रहे हैं क्योंकि वो chloride ion देते हैं. Fourth precipitate नहीं दे रहा है क्योंकि वो chloride ion नहीं दे सकता. As per that explanation, इस property को भी हम satisfy कर पा रहे हैं. And one more case. Equimolar quantities of the four complexes with silver nitrate solution give the amount of precipitate in the order 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. I repeat, equimolar quantities of the four complexes. चारों complexes की आपने equimolar quantity ली. Assume कर लेते हैं 1-1 mole सभी का लिया. Silver nitrate के aqueous solution के साथ mix किया. ऐसी situation में जो precipitate की amount मिलती है, उसका order यह होगा. अब अपना explanation, Werner's theory के according. हमने Werner's theory में यही बताया है कि पहला कॉम्प्लेक्स 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस फर्निश कर सकता है, जबकि सेकंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड प्रोवाइड करेगा. थर्ड वाले में केवल 1 मोल क्लोराइड ही मिलेगा क्योंकि प्योरली प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ एक ही क्लोराइड है. फोर्थ कोई प्रेसिपिटेशन ही नहीं दे रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट का ऑर्डर आ रहा है वह 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4 यह ऑर्डर है. I think these properties are very well explained on the basis of these all structures given to the four complexes. Properties Werner's theory के basis पर complexes के इन structures से well satisfy होती हैं. जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि ये within few seconds आप समझ जाएंगे कि क्या है after all situation. इतने पूरे discussion में से यदि हम कंक्लूजन निकालें, तो जैसे मैंने कहा कि IUPAC ने इवन फॉर्मूला देने के भी कुछ रूल्स फिक्स किए हैं, तो अब जब IUPAC ने कॉम्प्लेक्सेस में नोमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज के लिए कुछ रूल्स फिक्स किए हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए चीजों को फिक्स किया है, तो Werner's थ्योरी के एक्सप्लेन किए हुए, Werner's थ्योरी में इंक्लूड किए हुए इन फोर एग्जाम्पल आप अकॉर्डिंग टू IUPAC यदि लिखते हैं, तो अब इन फोर कॉम्प्लेक्सेस में पहले का फॉर्मूला आप ऐसा लिखेंगे जिसमें आप तीनों क्लोराइड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस विल बी गिवन बाय इट्स 1 मोल? 3 नहीं, 4. 3 क्लोराइड एंड 1 कॉम्प्लेक्स ट्राई पॉजिटिव आयन मिलेगा. सो दिस वे वी गेट टोटल 4 मोल्स ऑफ आयंस बाय इट्स 1 मोल इन सॉल्यूशन. सेकेंड वाले से आपको आप पहले फॉर्मूला देखें, you will understand it easily. इस बार क्या हुआ, since ammonia was taken in less quantity, so out of the 3 chloride, 1 chloride has entered inside the coordination sphere और available chloride ion in solution केवल 2 ही रहे. Next to that, CoCl3 4NH3 में यदि हम कॉम्प्लेक्स को IUPAC के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो यह बनेगा CO NH3 4. इस बार 2 क्लोराइड आर टू बी शोन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड 1 विल रिमेन आउटसाइड. और आप लास्ट सिचुएशन समझ ही गए हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. इस बार ऑल 3 क्लोराइड्स आर
इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आप एक बार फिर इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन सभी प्रॉपर्टीज को, इन सभी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए. एक बार रीड ये चारों प्रॉपर्टीज जो आपके सामने लिखी हुई है, एक बार वो फॉर्मूला चेक करिए. पुराना तरीका कॉम्प्लेक्सेस लिखने का, जनरल तरीका, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखने का तरीका, सारी चीजें आपके सामने हैं. आई थिंक नाउ वर्नर थ्योरी शुड बी वेरी क्लियर विथ दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज ऑल पॉइंट्स. अब यदि हम वर्नर थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए और इस क्वेश्चन में वर्नर थ्योरी को किस तरह से आप अप्लाई करेंगे यह क्लियर हो जाएगा. नोट कर सकते हैं आप. PtCl4 प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड PtCl4 फॉर्म्स PtCl4 फॉर्म्स फाइव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस. PtCl4 फॉर्म्स फाइव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ABCD and E ऑन ट्रीटमेंट विथ PtCl4 फॉर्म्स फाइव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ABCD and E with different amount of ammonia. These complexes have primary valency of platinum equals to 4. Primary valency of platinum equals to 4 and secondary valency of platinum equals to 6. Identify the complexes and give their IUPAC names. Identify the complexes and give their IUPAC names on the basis of following informations. सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको. कॉम्प्लेक्स ए गिव्स 3 moles of ions from its 1 mole in solution. Complex A gives 3 moles of ions from its 1 mole in solution. Next information के लिए है, B is a non-electrolytic complex. Next, third information, C has highest molar conductivity.
C has highest molar conductivity among all. All means these pi all. C has highest molar conductivity among all. D के लिए लिखनी है. D has molar conductivity. D has molar conductivity equal to that of sodium chloride, equal to that of sodium chloride. Next है, E gives three moles of AgCl when its one mole reacts with AgNO3 aqueous. E gives 3 moles of AgCl when its 1 mole reacts with AgNO3 aqueous. This is the question with you. You can take the time by for about 3 minutes. Within 3 minutes this question can be done. You can pause your system and then continue with me afterwards. Yeah, let's talk about the answer for this. I gave you the information that we have platinum tetrachloride PtCl4. It was treated with varying amount of ammonia, different amount of ammonia, and we got these pi types of complexes. Now you can recognize the pi possible complexes first of all, then after among those pi, which should be A, which should be B, C, D, E, ये आपको property के basis पर tally करना होगा. As such, जैसे हमने cobalt chloride with ammonia 4 different complexes बनाए थे, यहाँ पर platinum की primary valency 4 और secondary valency 6 है. इसी basis पर जो complexes बनेंगे, उसमें यदि purely प्राइमरी वैलेंसी को अमोनिया ने सॉरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अमोनिया ने सेटिस्फाई किया तो आपका एक कॉम्प्लेक्स तो ये होगा. सेकेंड कॉम्प्लेक्स होगा PtNH3 5 Cl Cl3. थर्ड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आप अमोनिया की क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं. अमोनिया की क्वांटिटी लेस हो जाने के कारण आपको क्लोराइड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लेना है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लेने का क्या मतलब है? वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा और ये हैं आपके टोटल पाई कॉम्प्लेक्सेस. Now the only thing left is ये phi complexes में से property wise कौन से complex को आप किसके साथ match करेंगे. आप इसे matrix matching के format में भी देख सकते हैं कि आपके पास एक तरफ informations हैं, एक तरफ complexes के formula है.
आप इसे मैट्रिक्स मैचिंग के फॉर्म में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को. हाँ, लेकिन यहां पर एक के लिए एक ही मैच होगा, वन बाय आई मीन ऑल दो इट इज 5x5 मैट्रिक्स, लेकिन फॉर ईच पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ओनली वन मैच विल बी देयर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ए गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स 1 मोल इन सॉल्यूशन, शुड बी द कॉम्बिनेशन. B is a non-electrolytic complex. This should be a combination. C has highest molar conductivity among all. This should be the combination. D has molar conductivity equal to that of sodium chloride. Equal to that of sodium chloride means its one mole should give 2 moles of ions in solution. So, this complex will have molar conductivity equals to that of sodium chloride. E gives 3 moles of AgCl when its 1 mole reacts with AgNO3 aqueous. वैसे तो हम मैच करते वक्त लास्ट, यदि सिंगल सिंगल मैच हो तो लास्ट को मैच कहां करते हैं, जो बचा वो मैच कर दिया. इवन देन हियर द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. लास्ट वाला 3 मोल्स ऑफ AgCl देगा, एक्चुअली 4 मोल्स ऑफ आयंस तो इससे मिल रहे हैं, बट यदि आप क्लोराइड के मोल्स देख रहे हैं तो वो 3 होंगे, इसलिए AgCl के भी 3 मोल्स यहां पर मेंशन करना होंगे. सो दिस वॉज एन एप्लीकेशन रिलेटेड टू वर्नर्स थ्योरी एंड दिस फिनिशेस वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वर्नर्स थ्योरी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एलिमेंट्री थ्योरी है, कोई बहुत एडवांस्ड कंसेप्ट नहीं है. लेटेस्ट थ्योरीज कई सारी और आ चुकी हैं जिनको आगे हम इंक्लूड करने वाले हैं, बट स्टिल वर्नर जितना भी एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, वो कहीं पर भी किसी भी प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता. सारी चीजें इतने एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में है. और जैसे मैंने कहा कि इफ वी आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर थ्योरी वी विल बी एबल टू आंसर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को किसी भी एक थ्योरी से आंसर नहीं दे पाएंगे. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस की जितनी भी थ्योरीज हैं दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर. एक पार्ट इस थ्योरी ने इंक्लूड किया प्रेसिपिटेशन, कंडक्टिविटी मेजरमेंट, मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर, वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितने मोल्स ऑफ आयंस प्रोवाइड करेगा. इसी तरह से अब हम जो नेक्स्ट थ्योरी देखने वाले हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वह बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर ज्यादा फोकस करवाएगी हमें, यानी कॉम्प्लेक्सेस के शेप्स क्या होंगे, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होंगे, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होगी. एज सच इन वर्नर्स थ्योरी रिगार्डिंग द शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस केवल एक स्टेटमेंट वर्नर ने दिया था कि कॉम्प्लेक्सेस में सीएमए के सराउंडिंग जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है. तो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को लेकर वर्नर ने चीजों को इनिशिएट तो कर दिया था, बट परफेक्ट कौन से कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री होगी इसके आंसर्स आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मिलेंगे. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी मेरे साथ होना है. थैंक यू.